फिजिक्स क्लास 12th चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डुप्ले वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र को द्विध्रुव क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो मानक स्थितियों में विद्युत क्षेत्र को ज्ञात किया जाता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो मानक स्थितियों में विद्युत क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। पहला अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति, दूसरा निरक्षीय या अनुप्रस्थ स्थिति। फर्स्ट अक्षीय स्थिति एक्सिल पोजीशन क्या है? अक्षीय स्थिति क्या है? जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है बढ़ाए गए द्विध्रुव अक्ष पर होता है, तो इस स्थिति में बिंदु को द्विध्रुव के सापेक्ष अनुदैर्ध्य या अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। माना दोनों अक्षों मानक दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L, O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना कि AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना है। माना दोनों आवेश के बीच की दूरी 2L है। बिंदुओं से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 = 1/4πε0 × Q/AP2। चूंकि OA plus OP = OP AP = OP - OA AP = OP का वैल्यू है R और AP OA का वैल्यू है स्मॉल a। चूंकि L plus L 2L के बीच की दूरी है इसलिए AP के मान रखने पर E1 = 1/4πε0 × Q/R-L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 = 1/4πε0 × Q/BP²
चूंकि BP इज इक्वल टू ओ ए प्लस ओ पी, BP इज इक्वल टू एल प्लस आर या आर प्लस एल इज इक्वल टू BP, BP के मान रखने पर E2 इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। परिणामी तीव्रता इज इक्वल टू ई वन माइनस ई टू, चूंकि ई वन व ई टू एक ही रेखा में विपरीत दिशा में कार्यरत है, इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमा लेने पर 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। लघुत्तम समापवर्त लेने पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0। फार्मूला के अनुसार इसको तोड़ने पर फार्मूला है ये माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर सी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर प्लस 2 आर एल प्लस एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 आर एल माइनस एल स्क्वायर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 4 आर एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 इंटू क्यू इंटू 2 एल इंटू आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पी आर बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, चूंकि पी इज इक्वल टू क्यू इंटू 2 एल। यदि एल लेस देम आर हो तो इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पी आर बाई आर स्क्वायर पूरे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पी आर बाई आर पावर 4 माइनस 1। ए इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2 पी बाई आर क्यूब यही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक होगा।